दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,797 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,89,202 हो गई है। इन 24 घंटों में कोरोना से 99 लोगों की जान चली गई, जो कि डराने वाली बात है। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी गई है। कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मेरी अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अभी लापरवाही का वक्त नहीं है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों को छोड़ दें, तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है।
लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हमें, मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया, इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। देखिए केसेस बढ़ रहे हैं हमें पता है, और जैसे भी सब लोगों को पता है कि लोग जैसे बहुत ही कम केसेस थे जिस समय पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे थे, तो इसको कहते हैं कि लोग बहुत ही रिलैक्स हो गए थे, लोगों को लग रहा था कि दिल्ली ने तो कोरोना पर विजय पा ली है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे आप मार्केट्स में देखेंगे कि ना कोई मास्क प्रॉपरली पहन रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नाम का तो वर्ड ही लोग भूल गए थे। तो एज अ डॉक्टर हमें ये पता ही था कि ये स्थिति तो आनी ही है कि जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो कि महाराष्ट्र से ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोग आखिर लापरवाही क्यों कर रहे हैं, अचानक से लोग कोरोना को लेकर इतने बेफिक्र क्यों हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।